जशपुर जिले के बागबाहर थाना क्षेत्र के ग्राम बगई झरिया बड़े भाई की लकड़ी डंडा से वार कर हत्या करने वाले छोटी भाई भक्तू राम को चंद घंटे में ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ग्राम बगई झरिया निवासी बोलचंद नाम अपने छोटे भाई भक्तू राम को शराब के नशे में पारिवारिक बात को लेकर गाली गुफ्तार कर रहा था। इसी दौरान भक्तू राम नाराज होकर हमेशा गाली देते हो कहकर हाथ में रखे लकड़ी से डंडा से बोलचंद नाग के सिर में जोर से वार कर दिया। इस वार से बोलचंद नाग बेहोश हो गया। परिजनों द्वारा बोलचंद को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान 15 जुलाई को बोलचंद नाग की मृत्यु हो गई। बागबाहर थाना पुलिस द्वारा भक्तू राम को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार भी किया गया एवं उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा को भी जब्त किया गया। आरोपी ने घटना करने के उपरांत डंडे को पानी से धोकर छिपा रखा था। पुलिस ने आरोपी भक्तू राम को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। और प्रार्थी विजय कुमार नाग ने बागबाहर थाने में रिपोर्ट लिखा दर्ज कराया था कि उसके ससुर की हत्या उसके छोटे भाई द्वारा कर दी गई है और पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर उसे विवेचना में लिया गया। और विवेचना के दौरान में पता चली कि दोनों भाइयों के बीच में मामूली विवाद हुआ था और शराब के नशे में छोटे भाई ने डंडा उठाकर बड़े भाई के सिर पर प्रहार किया। प्रहार करने से उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध करके 103 नई जो कानून की धारा 103 के तहत मामला पंजीबद्ध करके इसके खिलाफ इसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। 2022 में अप्रैल 2022 में प्रार्थी ने रिपोर्ट लिखाया था कि उसकी बेटी अपने नाना नानी के घर घूमने गई थी तुमला क्षेत्र में, वहाँ से वो गायब हो गई है। इस पर पुलिस ने संज्ञान लिया, अपराध कायम किया और ये पता चला कि तीन आरोपियों के द्वारा उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। इसमें दो आरोपी को पूर्व में ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और एक जो सह आरोपी था आयुष गुप्ता, जिसके बारे में पुलिस को सूचना मिली कि ये तब से फरार चल रहा है और ये झारखंड में इसका लोकेशन मिला, तो यहाँ से एक हमारी टीम बना के भेजी गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। थाना नारायणपुर क्षेत्र के एक पिता ने ये रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री घर से घूमने जाने के नाम पर निकली और वो कहीं गायब हो गई है। पुलिस ने खोजबीन किया और जब पता चला कि सन्ना क्षेत्र निवासी चंद्रशेखर राम उसे बहला फुसला कर ले गया था और अपने एक रिश्तेदार के घर में उसे रखा था। पुलिस के द्वारा उसे बरामद किया गया, उसका बयान लिया गया और आरोपी के खिलाफ संबंधित धारा में अपराध पंजीबद्ध कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।